नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी जेई की सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट और साथ साथ में सीबीटी टू के एग्जाम डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे ने अपनी संबंधित साइट पर, जिसके माध्यम से आपको सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट के बारे में और साथ साथ में आपके सीबीटी टू की एग्जाम डेट के बारे में इंडिकेट किया है। तो क्या है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन और क्या है आपकी सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट की डेट और साथ साथ में सीबीटी टू की एग्जाम की डेट, तो आइए चलते हैं सीधे अपनी ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, मैं सीधे यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सीधे ही वहाँ से इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सीधे आपकी ऑफिशियली साइट से आया हुआ है। यहाँ पे आपका CN01/2018 जेई DMS एंड CMA पोस्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि टेंटिव शेड्यूल ऑफ सेकेंड स्टेज CBT, इसके बारे में नोटिफिकेशन किया है। फिर बोला यहाँ पे द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज CBT आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सॉलिसिटेड बाई सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। यानी कि आपका जो CBT फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो फाइनलाइजेशन की तरफ है और बिल्कुल आपका सॉलिसिटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम एडिशन होने के बिल्कुल लास्ट कगार पर चल रहा है और जल्द ही इसका रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। जहाँ तक संभावना है कि आपका 1 से 2 हफ्ते यानी कि 7 से 10 दिन के बीच में आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। तो ये तो बात रही आपकी CBT फर्स्ट की, क्योंकि ये फाइनल आपका फाइनल रूप देने जा रहे हैं और इसका हद से ज़्यादा 7 से 10 दिन आपका मुश्किल से लगेंगे रिजल्ट को पब्लिश होने में। फिर बोला इन्होंने नेक्स्ट टाइम पे नीचे लाइन पे, इट इज़ प्लान टू होल्ड द सेकेंड स्टेज CBT ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर 2019। यानी कि जो आपका CBT 2 का जो एग्जाम है वो आपका या तो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाने का पूरा प्लान यहाँ पे किया गया है। यहाँ तक संभावना बताई जा रही है कि आपका जो अगस्त के लास्ट वीक है उसमें या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका CBT 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं CBT फर्स्ट के अंदर, वो अपनी तैयारी करने लग जाएँ जिससे कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके अपने आगे की स्टेज में क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बुलाए के फोर सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ETC प्लीज रेफर टू पैरा 13.2 ऑफ CN03/2018। यानी कि CBT 2 की जो एग्जाम है उसके अंदर कौन सा सिलेबस आने वाला है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे पैरा नंबर 13.2 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका नोटिफिकेशन आज के डेट का दिया हुआ है यहाँ पे 30/7/2019 को और रेलवे चेयरमैन की तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से CBT फर्स्ट की रिजल्ट डेट आपकी 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी 100% और आपका CBT 2 के एग्जाम डेट कंडक्ट करवा लिया जाएगा अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो बहुत कम टाइम बचा है CBT 2 की एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, 60 F बन रहे हैं, तो वो 100% अपनी तैयारी करने लग जाए CBT 2 की, जिससे कि वे अच्छे से अच्छे मार्क्स अटैम्प्ट कर सकें और लेके आ सकें एग्जाम के अंदर। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।